वाराणसी उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक ऐतिहासिक जिला है, जिसे पुराने समय में काशी या फिर बनारस के नाम से जाना जाता था। उर्दू व भोजपुरी के आपसी तालमेल से वाराणसी एक लंबे समय तक बनारस के नाम से जाना गया। हिंदू धर्म में यह शहर सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। इतिहास के पन्नों में आज भी बनारस को इतिहास से भी पुराना बताया जाता है। उत्तर प्रदेश पर्यटन के दृष्टिकोण से आगरा के ताजमहल के बाद विदेशी पर्यटक सबसे अधिक यहाँ के प्रसिद्ध घाट एवं सारनाथ के बौद्ध स्तूपों को देखने आते हैं। वाराणसी पौराणिक काल से ही हिंदुओं की धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन समय समय पर बौद्ध, जैन, मुस्लिम आदि धर्म के लोगों ने यहाँ पर अपना गहरा प्रभाव डाला है। ये जिला भारत की राजधानी नई दिल्ली से लगभग 841 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी यानी कि लखनऊ से लगभग 329 किलोमीटर दूर स्थित है। लगभग 1535 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए वाराणसी जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 36 लाख से ऊपर थी। धार्मिक दृष्टिकोण से वाराणसी जिले में 84.52% हिंदू, 14.88% मुसलमान, 0.2% सिख और 0.08% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। वाराणसी जिले में प्रत्येक 1000 लड़कों पर 909 लड़कियां जन्म लेती हैं। जिले की साक्षरता दर 77.5% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80% और महिला साक्षरता दर 75% है। यहाँ की सांस्कृतिक भाषा रही है संस्कृत, जबकि आम बोलचाल में बोले जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी, उर्दू व भोजपुरी है। वर्तमान समय में बनारस कुल 3 तहसीलों में बटा हुआ है, वाराणसी, राजा तालाब एवं पिंडरा। वाराणसी जिला कई सारे पड़ोसी जिलों से भी घिरा हुआ है। वाराणसी के उत्तर में आजमगढ़ व मऊ जिला, पश्चिम में मिर्जापुर व प्रयागराज जिला तथा पूर्व में गाजीपुर जिला स्थित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने लगभग 5000 साल पहले इस खूबसूरत शहर को स्थापित किया था। विश्व के प्राचीन शहरों में वाराणसी 15वें स्थान पर आता है। हिंदू धर्म के साथ साथ यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म के लोगों ने भी बनारस जिले पर अपना गहरा प्रभाव डाला है। वाराणसी जिले का नामकरण 2 नदियों के नाम से जुड़कर बना है, वरुणा और अस्सी अर्थात वाराणसी। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो इंसान वाराणसी के गंगा घाट पर अपनी आखिरी सांसें गिनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई बॉलीवुड फिल्मों ने बनारस शहर की खूबसूरती और संस्कृति को पूरी तरीके से कैद किया है। आए दिन आप किसी भी टीवी सीरियल में इस शहर को देख सकते हैं। शहर का गंगा घाट शूटिंग के लिए सबसे मनपसंद जगह है। रांझणा, लगा चुनरी में दाग, शादी में जरूर आना, मुक्ति भवन आदि कई अन्य बड़ी बड़ी फिल्में बनारस जिले में शूट की गई हैं। बनारस के घाट, आम तौर पर बनारस को घाट और मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। पर्यटक यहाँ की सुबह और नाव की सवारी करने आते हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक घाट मात्र शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि गंगा के विकराल रूप से स्वयं को बचाने के लिए इन्हें बांध के रूप में विकसित किया गया था। संपूर्ण भारत के अलग अलग प्रांतों के राजाओं ने समय समय पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए यहाँ पर घाटों के साथ ही अनेक मंदिरों का निर्माण भी कराया। मध्यकालीन युग में बनारस के घाट शिक्षा एवं व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। बनारस में कुल 88 घाट मौजूद है, जिसमें से 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट आदि केशव घाट यहाँ के प्रमुख घाट है। शिक्षा के दृष्टिकोण से बनारस जिले में कुल 4 बड़े विश्वविद्यालय मौजूद हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज और संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय। बनारस जिले की पावन धरती पर कई सारी महान हस्तियों ने भी जन्म लिया है, जिसमें महान गीतकार रविशंकर, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई आदि शामिल हैं। बनारस जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी बनारस जिले की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना बनारस जिले का भ्रमण अधूरा है। नंबर 1, रामनगर का किला।
यह किला बनारस के रामनगर कस्बे में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। बलुआ पत्थर की संरचना वाले इस किले का निर्माण लगभग 1750 में काशी नरेश राजा बलवंत सिंह द्वारा मुगल शैली में कराया गया था, परंतु वर्तमान समय में यह किला अच्छी हालत में नहीं है। किले तक जाने के लिए एक पुल का निर्माण कराया गया है। मानसून के मौसम के दौरान किले में जाने के लिए केवल नौकाओं का प्रयोग किया जाता है। इतिहास की बेहतर समझ के लिए आप इस किले का भ्रमण कर सकते हैं। नंबर 2, सारनाथ। बनारस से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनाथ भारत के प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। बनारस के आसपास घूमने वाली जगहों में ये एक बेहद खास स्थान है। काशी के घाटों और गलियों में घूमने के बाद आप इस जगह आकर एकांत में शांति का अनुभव कर सकते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान बुद्ध अपने साथियों की तलाश में सारनाथ आए थे और उन्होंने यहाँ पर अपना पहला उपदेश भी दिया था। सारनाथ के लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में चौखंडी स्तूप, अशोक स्तंभ, धमेक स्तूप, पुरातत्व संग्रहालय, मूलगंड कुटी विहार, थाई मंदिर और मठ शामिल है। नंबर 3, काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में मौजूद शिव की ज्योतिर्लिंग को देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। बनारस के सबसे खास मंदिरों में होने की वजह से इस मंदिर में रोजाना लगभग 5000 से ज्यादा भक्त आते हैं, लेकिन विशेष अवसरों पर यह संख्या बढ़कर 1,00,000 तक पहुंच जाती है। शायद यह ऐतिहासिक मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जो अत्याचारी मुगल शासक औरंगजेब द्वारा नष्ट किए जाने के बाद भी आज भी जिंदा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार इस मंदिर में दर्शन कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।